वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। आज इवान का बर्थडे है, पता है सुबह के 8 बज रहे हैं। हमारा आज काफी कुछ प्लान है। आज मैं और इवान ही है, ओडिन नहीं है, क्योंकि यहाँ गर्मी इतनी ज्यादा हो रही है ना, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको, जो हमारे सोसाइटी में एक अम्यूजमेंट पार्क है बहुत फेमस है, दूर दूर से लोग आते हैं, वहीं पे उसको लेके जाती हूँ। बट वहां जाने से पहले हमको एक टेस्ट कराना पड़ेगा, क्योंकि यू नो अम्यूजमेंट पार्क है, बहुत सारे लोग आते हैं, बिना कोविड टेस्ट के हम जा नहीं सकते वहाँ, 10 बजे बंद हो जाता है। तो उससे पहले हम लोग टेस्ट करा के आ जाएंगे और 10 बजे के बाद हम लोग अम्यूजमेंट पार्क जाएंगे और दोपहर में शायद ओडिन आ जाएगा, तो इवान विल हैव फन। केक हम उसके लिए ला नहीं सकते क्योंकि उसको मिल्क की एलर्जी है, बाहर का केक खा के हमेशा उसको प्रॉब्लम होती है। आई थिंक ओडिन विल ब्रिंग सम गिफ्ट्स एंड ऑल, देखते हैं कैसे जाता है। तो अभी हम बस टेस्ट कराने जाएंगे गाइस, सुबह सुबह इतनी गर्मी हो रही है। Hey guys, तो हम ना अभी निकल रहे हैं। इवान लेट्स गो, इवान इवान लेट्स गो, वी हैव टू गो नाउ, वी आर गेटिंग लेट। नो लेट्स गो इवान, नो प्लीज डोंट प्ले विद दिस इवान। तो टेस्टिंग का टाइम निकले जा रहा है और इवान को गेट के साथ खेलना है, इसको जाने का मन ही नहीं कर रहा, बट हमको आज टेस्ट करा के 10 बजे से पहले घर आना है। सो इवान इज 3 इयर्स ओल्ड टुडे, बट अभी भी मुझे इसको उठा के घूमना ही पड़ता है। आर यू स्टिल अ बेबी? यस यू आर अ बेबी। थैंकफुली टेस्ट का सेंटर अभी भी खुला हुआ है, लेकिन बहुत कम लोग हैं। इवान वी हैव टू गो नाउ, ओके वी हैव टू गो इवान, लेट्स गो लेट्स गो इवान लेट्स गो। अभी इन लोगों ने मुझे बताया रास्ते में कि यहाँ पे नहीं हो रहा टेस्ट, किसी दूसरे जगह पे हो रहा है। तो इस लेडी ने मुझे देखा कि मैं इतनी गर्मी में इवान को उठा के चल रही हूँ, तो शायद इनको दया आ गई एंड शी स्टार्टेड हेल्पिंग मी हैंडल इवान। People care about others so much. This lady, I don't know this lady. आज ही मिली मुझसे, ये मुझे बार बार मुड़ के देख रही है कि मुझे लेट तो नहीं हो रहा कहीं, वहाँ से देख रही है मुझे। हम घर आ गए हैं वापस और इवान ने देखो पूरा खाना खत्म कर दिया है। तो ये है कपड़े जो मैंने इवान के लिए निकाल के रखे हैं, बहुत ही कॉम्फी टाइप की जीन्स है ये। वेट वाइप, सनस्क्रीन, कैमरा, एक्स्ट्रा कपड़े रख रही हूँ उसके लिए, मेरा डिओड्रेंट क्योंकि बहुत पसीना आता है मुझे अभी। मैं तो रेडी हो गई हूँ। आई वोर समथिंग जो कि मेरी मम्मी ने खरीदा था जब वो आई थी यहाँ पे 3 साल पहले, ये कभी मैंने पहना नहीं। इट वॉज काइंड ऑफ लाइक प्रेगनेंसी वेयर, आई गेस इट फिट्स मी फाइन। अभी भी इवान वेट, ब्रेड को काट के आई विल मेक अ गुड सैंडविच। ये गाइस तहीनी है। इवान हियर योर आइसक्रीम, इवान लेट्स गो लेट्स गो, वेयर शूज लेट्स शूज। तो गाइज हम निकल गए हैं, दोपहर के 12 बज रहे, इतनी खतरनाक धूप है ना यहाँ पे। बस हमारे सोसाइटी के अंदर ही एक अम्यूजमेंट पार्क है, वहीं पे हम जा रहे हैं। ये देखो इवान को मैं ऐसे ले जा रही हूँ, बहुत बुरा हाल हो रहा है हमारा। ये पार्क है जहाँ पे हम जाने वाले हैं, मैं और इवान। तो गाइज ये जगह है जहाँ पे एंट्री हो रही है, बाहर प्लेन खड़ा हुआ है, इतनी ज्यादा धूप हो रही है, मुझे लगता है हीट स्ट्रोक हो जाएगा। मेरे पानी है ना मास्क के अंदर से एकदम बह रहा है झरने के जैसे। इवान इवान को मैंने इतने देर तक स्कूटर में रखा, अभी इसको उतार लिया है। ओह माय गॉड, काफी लोग हैं। मेरे पास टिकट है, ओडिन ने भेज दिया था कल। वी गो इनसाइड, ओके इवान फॉलो मी। नहीं धूप, माय गुडनेस, फाइनली वी आर इनसाइड। कितनी भीड़ है यहाँ पे। इवान आर यू हैप्पी? टिम गलैंड गार्डियंस, इवान लेट्स गो। यहाँ पे हाइट नापते हैं, अगर 100 मीटर से कम है तो फ्री है, एक ही टिकट लगेगा मेरा वाला, अदरवाइज इवान का भी लगेगा। इवान फॉर सम रीजन वाज नॉट रेडी टू कम इनसाइड, नीचे गिर रहा था, अंदर ही नहीं जाना, तो डर रहा था वो इस जगह से। कैन यू इमेजिन? नाउ यू आर हैप्पी। इवान वेयर मास्क? ओह यस, वेरी नाइस। आई नो इवान, इट्स वेरी नाइस। देखो गाइस कितना सुंदर है, ये तो सिर्फ एंट्रेंस है, अंदर पता नहीं क्या क्या है यहाँ पे। यहाँ कोने में आके मैंने मास्क निकाला है, मेरी इतनी बुरी हालत हो गई ना, इतना ज्यादा पसीना हो, माय गुडनेस। लेट्स गो हियर, हियर लुक सो नाइस, वाओ। ये देखो बच्चों की हैंड आर्ट चल रही है यहाँ पे, सो नाइस। यहाँ पे आइसक्रीम्स है इतनी सारी, पॉप्सिकल फैक्ट्री। देखो गाइस कितना ब्राइट हो रहा है। इवान को इस राइड पे जाना है, मुझे बोल रहा है। लेट्स गो इवान, लेट्स गो। वाओ इवान इज सो सैड कि राइड स्टार्ट हो गई। दिस राइड इज सो नाइस, एकदम ऊपर नीचे हो रही है।
I think it's perfect for Ivan. Ivan, we'll go next time. Come. इतनी लंबी लाइन लगी है, पता नहीं कैसे जाऊंगी। हम काफी देर के लिए लाइन में लगे, बट एंड में उन्होंने बताया कि इवान 1 मीटर से कम है तो नहीं जा पाएंगे हम। आई डोंट नो हाउ टू यूज दिस। तो गाइज फाइनली हम यहाँ पे आए हैं। ये वही होता है ना जहाँ बच्चों के खेलने की बहुत सारी जगह होती है। हमारे पास मोजे नहीं थे तो हमने मोजे खरीदे हैं 100 रुपए में, 2 लोगों के, मेरे और इवान के। ये देखो इवान, ये रहा इवान। मेरा जो ब्रेड काटते वक्त हुआ था उसका क्या हाल हो गया देखो, हर्ट। इवान, इवान, वेयर आर यू गोइंग? इवान जंप 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 जंप। इवान की मैंने पैंट्स चेंज कर दी क्योंकि इसमें खेलना ज्यादा इजी है, वो बहुत ही लंबी हो रही थी। हाय इवान, आर यू हैप्पी नाउ? ओके आई एम कमिंग। तो यहाँ पे लिटरली कपल्स आते हैं, अपने बच्चों को छोड़ देते हैं और आराम करते हैं, फोन चेक करते हैं। उसके बाद हम गए एक अंडरग्राउंड ट्रेन वाले राइड पे। इवान इज वेरी एक्साइटेड। ये देखो ये टनल है जहाँ पे दो दो लोग वाली ट्रेन आ रही है। इवान स्टैंड हियर, लेट देम गो फर्स्ट। इवान वेट, आवर टर्न विल कम। Even come here. Yes, lollipop. So guys, दोपहर हो गई है, टाइम हो रहा है कुछ 2 बजे के आसपास और हम यहाँ आ गए। ये बहुत बड़ा एरिया है तो यहाँ पे घूमते ही रहो, नई जगह आती रहती है। बट सैडली ज्यादातर जो राइड्स है वो 100 सेंटीमीटर से ज्यादा वाले बच्चों के लिए है और इवान हमारा बहुत छोटा है। ये देखो आप, प्राइसेस तो देखो यहाँ पे कितने महंगे हैं कंपेयर टू कन्वीनियंस स्टोर, मॉल्स होती है उनसे भी महंगा है। 200 रुपीज में पानी की बॉटल मिल रही है और ये यूजुअली 50 रुपए में मिलता है, 150 में मिल रहा है। यहाँ पे पेप्सी आपको 30 रुपीज में मिल जाएगी, यहाँ पे 80 में मिल रही है। तो गाइज लंच टाइम हो गया है और हमने ये लिया है 500 रुपीज में, एक हॉट डॉग, ये और कोक या मिरिंडा कुछ तो है इसमें। और ये इवान को यहाँ बिठाया है, इतना परेशान हो गया ना इवान, नीचे गिर रहा था, रो रहा था, फिर किसी लेडी ने फ्री में इसको लॉलीपॉप दे दिया, वही जो 60 रुपीज का था। वाओ ये क्या है। तो गाइस अब हम बस में आके बैठ गए हैं। ये बाहर की ट्रिप लगवाती है, वहाँ पे नदी है और ये इनकी इलेक्ट्रिक बस टाइप की है जो ट्रेन के जैसे बनाई है। तो अब ये हमको घुमाएगी थोड़ा सा, अभी 2 ही बजे हैं, हमको 2-3 घंटे हुए हैं हार्डली। हमारी हालत इतनी ज्यादा बुरी हो रही है क्योंकि एक तो अंदर ज्यादा एसी स्ट्रांग नहीं था, गर्मी लग रही थी, कंटिन्यूसली पसीने आ रहे थे और उसके बाद इवान का सोने का टाइम हो जाता है तो वो बहुत ही चिड़चिड़ा हो जाता है, लाइक तो इवान बहुत ही जिद्दी हो रहा था और उसको नीचे ही बैठना है, इसको मेरे गोद में भी नहीं बैठना। गाइज हम घर वापस आ गए हैं और सॉरी मैंने वापस आने की जर्नी आपको नहीं बताई, तो मैं आपको बताती हूँ मैं क्यों रिकॉर्ड नहीं कर पाई जो वापस आने की जर्नी थी, क्या किया हमने उसके बाद। थोड़ा मैं आपको सुबह से बताती हूँ क्योंकि बेसिकली इट वाज अ डिजास्टर। आपको यानी शुरू का वीडियो देख के लगा होगा कि वाओ वी आर एंजॉयिंग सो मच, कितना अच्छा बर्थडे मन रहा है, लेकिन हुआ क्या ना मैं आपको बताती हूँ। आपको याद है हम लोग सुबह टेस्टिंग के लिए गए थे, वो एक न्यू जगह पे टेस्टिंग थी तो वहां पे जो लेडी थी उसको पता नहीं था कि जो फॉरिनर का टेस्ट होता है उसमें पासपोर्ट को कैसे रिकॉर्ड करते हैं। उस मिसअंडरस्टैंडिंग
अंडरस्टैंडिंग में हमारा आधा घंटा लग गया होगा और तब भी बहुत गर्मी थी। जो हेल्थ केयर वर्कर्स थे वो तो एसी में थे, बट हमारी इतनी हालत खराब हो गई थी। ओडिन ने एक्चुअली एक पड़ोसी को कॉल किया जो जाके इवान को वापस लेके आया ताकि उसको ज्यादा गर्मी ना लगे और मैं अपना टेस्ट करा के वापस आई। वो तो सुबह वाली बात हो गई, तो फिर 10 से भी ज्यादा बज गए थे। हमको जल्दी जल्दी जाना था अम्यूजमेंट पार्क में, जो कि मेरे घर से 1.5-2 किलोमीटर दूर है, सोसाइटी के अंदर ही है बट इतना दूर है, और लेट नहीं होना था क्योंकि जल्दी जाएंगे तो जल्दी वापस आएंगे। तो हम लोग घर में थोड़ा तैयार हुए और हम लोग निकल लिए। तो पहले मैंने सोचा था इवान का स्ट्रोलर ले जाऊंगी, बट मैं स्ट्रोलर नहीं ले गई क्योंकि मुझे लगा स्ट्रोलर कहाँ रखूंगी मैं, उसका जो छोटा सा स्कूटर है वो ले जाती हूँ। स्कूटर को मैं पकड़ के खींच के ले गई, तब भी काफी गर्मी थी। एटलीस्ट इवान वॉज ऑन द स्कूटर, आई वॉज ड्रैगिंग इट। उतनी दूर जाने में भी क्योंकि दोपहर होने लग गई थी, 11-1 बज गए होंगे और सन एकदम ऊपर आ गया था सिर के, बहुत वाटर लॉस और बहुत बुरी हालत हो गई थी। फिर मैंने सोचा चलो अंदर तो एसी होगा, अंदर तो हम जाके थोड़ा रिलैक्स कर सकते। बाय द वे देखो मुझे अभी भी कितना पसीना आ रहा है। जिन लोगों को नहीं पता, अभी चाइना में बहुत हीट स्ट्रोक चल रहा है, यहाँ की गर्मी एकदम अलग ही हीट करती है। मैं राजस्थान से हूँ लेकिन ये जो मैं एक्सपीरियंस आपको बताने वाली हूँ वो कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है, इवन लिविंग इन राजस्थान एंड बीइंग बोर्न देयर। यू नो यहाँ पे क्या है ना, बेसिकली हवा ही नहीं चलती है, इतनी गर्मी होती है, एक पत्ता नहीं हिलता है और इतनी ह्यूमिडिटी है उसमें आपको और गर्मी लगती है, अलग ही गर्मी है यहाँ की। और 40 degrees इट हिट्स लाइक 50 degrees। पहली बार हो रहा है ना शंघाई में, पहले कभी इतनी गर्मी नहीं हुई। तो यहाँ पे जो बिल्डिंग्स वगैरह भी है ना बिलो 40 degrees के लिए बनी हुई है, इससे ज्यादा कभी आज तक गया ही नहीं है। नो वन एक्सपेक्टेड कि जाएगा इतना ऊपर। हम इस अम्यूजमेंट पार्क में एंटर किए जो कि इंडोर अम्यूजमेंट पार्क है जैसे कि आपने देखा, और सैडली अंदर का इसी इफेक्टिव ही नहीं था। अगर रूफ का वीडियो मिलेगा तो मैं दिखाऊंगी। देखो रूफ इतनी पतली थी, पेपर के जैसे पतली थी आई गेस, एसी इफेक्टिव ही नहीं हो रहा था वहां का। और यहाँ पे क्या है ना सर्दी ज्यादा लंबी होती है तो गर्मी का ये लोग सोच के बिल्डिंग सही बनाते हैं आई गेस शंघाई में। इतनी गर्मी लग रही थी अंदर भी, थोड़ा सा कोल्ड था कंपेयर टू आउटसाइड, लेकिन अंदर भी लोगों को पसीने आ रहे थे। जो भी उनको पैम्फलेट वगैरह मिला था उसी से हवा कर रहे थे पूरा टाइम। वी वर स्टिल लूजिंग अ लॉट ऑफ वाटर। जब भी मैं कैमरा पकड़ी हुई नहीं थी, मैं इवान को हवा लगा रही थी, तो इवान परेशान हो गया था, पेट भर गया था उसका, लेकिन उसको घर जाना था आई गेस, नींद आ रही थी और गर्मी भी लग रही थी। तो इवान क्या ना वहाँ पे नीचे गिरने लग गया ऐसे, यू नो वो लेट जाता है गुस्सा होके, और बहुत ज्यादा वो जिद्दी होने लग गया था कि उसको कोई टॉय चाहिए, कोई कैंडी चाहिए, यानी बात ही नहीं सुन रहा था। और यू नो आसपास के लोग भी परेशान हो रहे थे क्योंकि इवान ही था जो रो रहा था, बेसिकली चाइनीज बच्चे तो रोते ही नहीं। आई वॉज लाइक इसको ले जाने का, घर ले जाने का टाइम आ गया, परेशान हो गया यार कितना पैसा वसूल करेंगे। वी हैड आवर फन, मेरा पॉइंट है कि उसको आज जितना एंजॉय करा सको कराओ, परेशान नहीं कराना था। हम लोग निकल गए वहां से, निकलते ही गर्मी ऐसा लग रहा था और ही बढ़ गई है क्योंकि हम लोग सुबह से गर्मी और पसीने से जूझ रहे थे। बेसिकली आफ्टर वेकिंग अप वी डिड नॉट रिलैक्स, सुबह से हमारा यही चल रहा था। आई थिंक आई लॉस्ट अ लॉट ऑफ वाटर बिफोर वी इवन स्टार्टेड गोइंग बैक टू आवर हाउस। कोई भी इंसान बाहर पैदल ही नहीं चला था, एवरीवन वाज इन कार। इवान ने जिद की कि उसको अपने वो ट्रैम जैसी थी राइड करनी है, तो आई वाज लाइक फाइन एक बार ट्रिप कर लेते हैं। वो ट्रैम हमको लेके गई एक दूसरे लोकेशन पे, इट वेटेड फॉर 10 मिनट्स टू गो बैक टू आवर ओरिजिनल लोकेशन। तो वो 10 मिनट्स हम बिना शेड के बिना किसी चीज के बस धूप में यू नो सिक रहे थे, बेसिकली ऐसी धूप में जिसमें अंडे फ्राई हो जाते हैं। फाइनली हम लोग वापस आए, वो ट्रैम वापस आई हमारी ओरिजिनल जो लोकेशन थी अम्यूजमेंट पार्क की, वहां पे टुक इवान, आई जस्ट स्टार्टेड गोइंग बैक। मैं क्या बताऊं आपको क्या हुआ उसके बाद, लाइक नियर डेथ एक्सपीरियंस आई कैन से। आई एम प्रिटी स्ट्रांग आई थिंक ऑन द डेली बेसिस, यू नो जब भी इवान जगता है मैं आधे आधे घंटे तक इवान को उठा के चल लेती हूँ, सो आई एम प्रिटी स्ट्रांग। वी स्टार्टेड गोइंग बैक और धूप हमको लग रहा था सेकने लग गई है। मुझे इवान की टेंशन हो रही थी बिकॉज ही डिड नॉट हैव अ शेड, इवान वॉज ऑल्सो अंडर द डायरेक्ट सनलाइट। माई गोल वॉज टू बी एज फास्ट एज पॉसिबल टू गो बैक टू अवर हाउस फाइनली इन द एसी, बिकॉज मुझे लग रहा था हमको हीट स्ट्रोक लग जाएगा, मुझे इवान की टेंशन थी। मैं चलती गई, इवान इज प्रिटी हैवी लाइक मोर देन 15 kgs आई थिंक, और उसको लेके इतने धूप में चलना जब मैं ऑलरेडी डिहाइड्रेटेड हूँ सुबह से, इट वॉज लाइक सो डिफिकल्ट। एनी अदर डे आई कैन होल्ड इवान एंड वॉक फॉर आवर्स, लेकिन वो धूप और वो डिहाइड्रेशन ना, इट्स नॉट लाइक माई मसल्स वर गिविंग अप, आई वॉज फाइन, माई हैंड्स वर फाइन। मुझे ऐसा लग रहा था मेरी आत्मा निकल के जा रही है, लिटरली आई वॉज लाइक मुझे लग रहा है मैं वापस पहुंच पाऊंगी कि नहीं, एक एक कदम मुझे इतना मुश्किल लग रहा था। एंड आई एम अ पर्सन हु नेवर फेंटेड, मैं कभी चकरा के नहीं गिरी हूँ, कभी मुझे कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं रही है। माई माइंड वॉज लाइक कैसे भी करके मुझे इवान को घर तक पहुंचाना है, बट अगर मैं गिर गई चक्कर खा के, इफ आई जस्ट फेंट हाउ विल आई अराइव होम। तो मैं रुकी बीच में, वी वर हाफ वे थ्रू, और मैंने इवान की जो पानी की बॉटल थी वो निकाली, सिर पे डाला उसको, इवान के सिर पे डाला, आई वॉज अफ्रेड कि गर्म नहीं हो गया वो, बट मैंने उसके सिर पे डाला पानी और मैं चलने लगी। थोड़ी मुझ में जान आई उसके बाद, कैसे तैसे करके मैं घर तक पहुंची, और उसके बाद लाइक आई वॉज सो ओवर हीटेड बिकॉज आई वॉज कैरिंग इवान, आई वॉज वॉकिंग वेरी फास्ट, द सन वॉज एक्सट्रीमली हॉट, और लाइक सुबह से हम लोग
डिहाइड्रेटेड थे। जो अम्यूजमेंट पार्क था उसके अंदर भी मैं इवान को लेके घूम रही थी गोदी में उठा के। जो लाइंस थी, जो क्यू थी जिसमें हम 20-20 मिनट तक लग रहे थे, उसमें भी इवान बोर हो जा रहा था और मैं उसको उठा के रख रही थी। और गाइज वो पार्ट्स मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी क्योंकि मैं इवान को उठा के रखी थी एक हाथ से। सारी जगहों पे मैं इवान को उठा के रख रही थी और कई बार जब हमारी बारी आ रही थी लाइन के एंड में, तब वो बोल रहे थे अरे इसकी 1 मीटर हाइट नहीं है, ही कांट गो फॉर दिस राइड। तो ऐसा हो रहा था, तो यानी देयर वाज नथिंग वी कुड डू देयर। लाइक आई रियली थॉट कि पूरा दिन हम लोग लाइक मस्ती करेंगे वहां पे, मैं इवान को वहीं पे सुला दूंगी, बट इट वॉज सो हॉट इवन इनसाइड। कम से कम 30+ डिग्रीज अंदर था विदाउट एनी फैन, विच इज प्रीटी हॉट गाइज। और द फूड आई डिड नॉट लाइक इट एट ऑल। घर आने के बाद आई वॉज सो रिलीव्ड कि मैं जिंदा घर वापस आ गई हूँ, लाइक हीट स्ट्रोक में कहीं गिर नहीं गई। इवान वॉज वेरी स्लीपी, सीधा इसको रूम में लेके गई, मैंने इवान को सुलाया सबसे पहले, उसके कपड़े वपड़े उतारे, एसी बहुत ठंडा किया, मैं भी थोड़ा देर लेटी उसके बाद आके। आई थॉट आई वॉज फाइन, यू नो, एसी चलाया। जैसे ही मैं खड़े हो रही थी मुझे चक्कर आ रहे थे, उल्टी सी आ रही थी, मुझे लगा लाइक ऐसा तो कभी पहले हुआ नहीं। बेसिकली लाइक इलेक्ट्रोलाइट्स एकदम लो हो गए थे, बॉडी में पानी एकदम खत्म हो गया था आई गेस, और मुझे लग रहा था आज तो मेरा लास्ट डे है। तो जो भी है मैं लेटी और खड़े ही नहीं हो पा रही थी मैं, क्योंकि ऐसा हो रहा था। और एक और चीज, मैंने सुबह से कुछ खाया ही नहीं था बिकॉज आई डिडंट वांट टू बी लेट, आई जस्ट फोकस्ड ऑन इवान को खिला देती हूँ। मैं तो वैसे भी खाना मिस करती रहती हूँ, मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग करती हूँ, तो विच वॉजन बिग डील फॉर मी। लेकिन क्योंकि मैंने इतना एक्सर्शन किया ना सुबह से, माई बॉडी डिडंट हैव एनीथिंग एट ऑल। फिर मैं काफी देर तक लेटी, सोने का ट्राई किया मैंने, नींद नहीं आ रही थी मुझे, चक्कर आ रहे थे। और जैसे ही मैं रूम से निकल रही थी, जो एसी वाला रूम है उससे निकल रही थी, एक सेकंड में मुझे पसीना वापस आ जा रहा था, एसी का कुछ इफेक्ट ही नहीं पड़ा। आई कुड नॉट इवन गो टू द वॉशरूम, आई रियली पैनिक्ड। आज आई एम फीलिंग बेटर नाउ, इवान सो रहा है अभी भी। आई वॉज लाइक आई विल क्विकली लाइक रिकॉर्ड दिस वीडियो, ओडिना शाम को आ जाएगा, अंधेरा हो जाएगा तब तक आई गेस। यही थी मेरी स्टोरी गाइज। तो गाइज मैं आपको दिखाऊंगी आज जब ओडिन आएगा। Yes, Papa give you a gift. Okay. Happy birthday, Yuan. Is it cool and sweet? Where'd it go? Yes, it's coconut water. You like it? Today is your birthday. You don't like it? I know you don't like it. I like it. This? Happy birthday. It's your birthday, Ivan. 3 years old. You're 3 years old. Nice. Wow, fire. Fire. Wow, new gun. New gun. So many toys, Ivan. Wow, look. Yes, I'm looking. Hey, look. What's that? Yes, dinosaur. Your first dinosaur, huh, Ivan? Oh, wow, you can open it. Hey.